जिस तरह से कल पूरी रात और पूरे दिन बारिश रही थी, सभी भक्तों के मन में एक ही सवाल चल रहा था कि अब वैष्णो देवी भवन के ऊपर हम लोगों को बर्फबारी देखने को मिल जाएगी, तो क्या वहां पर बर्फबारी हुई या नहीं हुई, आइए डिस्कस करते हैं पूरी इस वीडियो के अंदर। तो चलिए, जय माता दी सभी को। श्री माता वैष्णो देवी कटरा से मैं विजया द्वारिया आज दिनांक 21/2/2024 की बिल्कुल ताज़ा खबरों में आपका स्वागत करता हूँ। माता रानी के दरबार में जितने भी भक्त श्री माता वैष्णो देवी भवन के ऊपर गए हुए थे, सभी के मन में आज थे कि हमें अच्छी खासी मात्रा में बर्फबारी देखने को मिल सकती है, क्योंकि मौसम बिल्कुल लगातार खराब था और पूरे दिन और पूरी रात अच्छी खासी मात्रा में बारिश भी हुई थी। माँ भगवती माँ जननी श्री माता वैष्णो देवी के भवन पर हम लोगों को कल बर्फबारी देखने को नहीं मिली, लेकिन आप लोगों को बता दूँ तकरीबन 9:30 बजे के आसपास अच्छी खासी मात्रा में ओलावृष्टि देखने को हम लोगों को भवन के ऊपर मिली थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि भवन के जो ऊपरी साइड में है कहीं बर्फबारी हुई नहीं है। आप लोगों को बता दूं, बर्फबारी अच्छी खासी मात्रा में आप लोगों को वहां पर देखने को मिल जाएगी। त्रिकुट पर्वत की जितनी भी ऊपर वाली चोटियां हैं, कह सकते हैं भैरव बाबा की तरफ की ऊपर की तरफ जो चोटियां हैं या माता रानी के दरबार के ऊपर तीनों तरफ जो चोटियां हैं उनके ऊपर आप लोगों को देखने के लिए अच्छी खासी मात्रा में बर्फ वहां पर मिल जाएगी। जैसा कि आप लोग क्लियरली देख पा रहे हैं, बर्फ जरूर पड़ी हुई है और अच्छी खासी मात्रा में ये बर्फबारी वहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन बस बात यही थी कि हम लोगों का इंतजार था कि क्या हम लोगों को भवन और भैरव बाबा पर बर्फबारी देखने को मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं हो पाया और भवन और भैरव बाबा के ऊपर आप लोगों को हम लोगों को जो वहां पर है बर्फबारी देखने को नहीं मिली। आप लोगों को ये भी बता दूं, ये विजुअल बिल्कुल 21/2/2024 के तकरीबन सुबह 7:30 बजे के आसपास का ये विजुअल है। और अभी आप लोगों के साथ मैं एक और विजुअल प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, बिल्कुल अभी फ्रेश तकरीबन सुबह के 10 बजे का वो विजुअल होने वाला है। तो चलिए जी, ये विजुअल है सुबह के तकरीबन 10:30 बजे का। इसमें आप लोग क्लियरली देख पा रहे हैं माँ भगवती का दरबार आप लोगों को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है और बहुत ही प्यारा माता रानी का दरबार लग रहा है यहाँ से। और जैसा कि हम लोग चाहते हैं कि माता रानी का दरबार में हम लोग जाए, अपनी अर्जी लगाए, घर बैठे बैठे आप लोग अपने लिए अर्जी लगा सकते हैं माता रानी के दरबार में। लेकिन आप लोगों को सामने की जो चोटियों पर बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है कि वहाँ पर बर्फबारी हम लोगों को अच्छी खासी मात्रा में देखने को मिल रही है। लेकिन आप लोगों को ये भी बता दूँ कि ये बर्फबारी 1 से 2 दिन के अंदर ही वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि धूप अभी 22 तारीख के बाद काफ़ी तेज मात्रा में हम लोगों को देखने को मिलने वाली है। इसके साथ साथ आप लोगों को जानकारी भी दे दूं कि प्राचीन गुफा इस टाइम पूरे 4 दिन हो गए हैं जिसको अभी तक खोला नहीं गया है, और माता रानी के इस प्यारे से भवन के इस टाइम आप लोग दर्शन कर पा रहे हैं, तो प्राचीन गुफा को लगातार 4 दिन से खोला नहीं गया। हम लोगों ने पूरी उम्मीद करके रखी थी कि माँ भगवती के दरबार में कुछ इस तरह का हम लोगों को अच्छी खासी मात्रा में बर्फबारी देखने को मिल जाएगी, लेकिन सिर्फ जो आप लोगों के सामने है ये ओलावृष्टि और फिर कुछ मात्रा में बारिश की वजह से वहाँ पर जो है बर्फ देखने को हम लोगों को मिली थी। ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी ही सही, लेकिन हम लोगों को बर्फ देखने को मिल गई थी। इसके बाद बात करें, क्या रोपवे की सेवा लगातार चालू थी? जी बिल्कुल हाँ, पूरे दिन आंधी तूफान चलता रहा था, लेकिन रोपवे की सुविधा प्रॉपर है अपने तरीके से और अपने टाइम से बिल्कुल वर्किंग के अंदर था। पूरे दिन जो रोपवे की सेवा है वो चालू रही थी। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं क्या भवन के ऊपर किस तरह की हम लोगों को भीड़ देखने को मिल रही है। तो आप लोगों को बता दूं, श्री माता वैष्णो देवी भवन के ऊपर बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, और साथ के साथ आप लोगों को बता दूं सिर्फ 1/2 घंटे के अंदर आप लोगों को बहुत ही प्यारे दर्शन हो जाते हैं। माँ भगवती के दर्शन आप लोग करके बाहर निकल जाते हैं सिर्फ और सिर्फ 1/2 घंटे के अंदर। और आप लोगों को ये भी बता दूं, गर्भजून गुफा के अंदर सिर्फ 4 से 5 घंटे के अंदर इस टाइम फिलहाल दर्शन हो रहे हैं सभी भक्तों के। तो जिन भक्तों को गर्भजून गुफा के दर्शन करने हैं वो भी लोग इस टाइम गर्भजून गुफा के अंदर जाकर और आराम से दर्शन करके वापस आ पा रहे हैं और बड़ी ही खुशी के साथ। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं मौसम के। तो आप लोगों को बता दें, श्री माता वैष्णो देवी कटरा में आज 21/2/2024 को सुबह से ही मौसम बिल्कुल साफ बना हुआ है। साथ के साथ हेलीकॉप्टर सेवा भी तकरीबन 7:30 बजे से चालू हो गई थी और अच्छी खासी मात्रा के अंदर बढ़िया से धूप खिली हुई है। यहाँ से हम लोगों को क्लियरली विजुअल देखने को नजर आ रहा है कि बिल्कुल जो रेलवे स्टेशन की साइड में वहाँ की जो बिल्कुल ऊपर वाली चोटी है सिर्फ उसके ऊपर बर्फ देखने को मिल रही है। बाकी आज का मोस्टली दिन लग रहा है कि धूप निकलने वाली है, हो सकता है थोड़ा बहुत 12-1 बजे के आसपास मौसम थोड़ा बहुत खराब हो सकता है, लेकिन मोस्टली आज कटरा के अंदर आप लोगों को धूप ही देखने को मिलने वाली है। और आप लोगों को ये भी बता दूं कि कल सुबह
तकरीबन 6 बजे के आसपास फिर से मौसम खराब हो सकता है, लेकिन आज जैसे कि आप लोगों के सामने भी क्लियरली नजर आ रहा है, बढ़िया से कटरा के अंदर धूप निकली हुई है और उम्मीद है कल 22/2/2024 के अंदर भी आप लोगों को कटरा के अंदर बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अभी भी 85% चांस बने हुए कि कटरा के अंदर कल भी हम लोगों को बारिश देखने को मिल सकती है। बाकी जिस तरह का भी कटरा के अंदर माहौल रहेगा, हम डे टू डे और घंटे टू घंटे आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे, तो हमारे साथ बिल्कुल आप लोगों को बने रहना है। जो भी विजुअल आप लोगों के सामने प्रस्तुत है ये बिल्कुल आज की फ्रेश है और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को श्री माता वैष्णो देवी कटरा से जो भी हम लोगों ने अपडेट दी आप लोगों को पसंद आई होगी। और अगर आप लोगों को हमारी अपडेट पसंद आई है तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आप लोगों को वैष्णो देवी भवन से यूं ही लाइव अपडेट हमारे चैनल के ऊपर मिलती रहेगी और डेली के 11 बजे से पहले। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी।